मित्रों, राजवेद एम एच बालन का सादर नमस्कार। हमने लास्ट सेशन में भारतीय प्रजा की परंपरा के त्रय स्तंभ शरीर आत्मा शरीरम च सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत, ऐसा ही हमारा तीन, ऐसे तो ये इतनी परंपरा है कि जिसकी तुम कोई चर्चा नहीं कर सकते, जो आरोग्य में सबसे ज्यादा फायदाकर है। ऐसी एक परंपरा त्योहार है, इसमें हमने होलिका की बात की, वो वसंतोत्सव है, और दूसरा शरदोत्सव वाली दिवाली की बात की। इसमें खीर, चावल, मिश्री और दूध से बनी हुई खीर पिंडदान रूपम श्राद्ध में देते हैं, वो कैसा फायदा करता है वो आपको मैंने बताया। ये बात हमने फिर से थोड़ी दोहराए तो भी ठीक लगेगी कि इस अवस्था में, इस शरद ऋतु की शुरुआत में, जब बारिश पूरी हो जाती है, शरीर में भेद होता है और गर्मी बढ़ती है, गर्मी और भेद दोनों मच्छरों को प्रिय है। इस वक्त यदि आपके शरीर में भेद और टेम्परेचर है तो मच्छर को काटने का पसंद की वो जगह है, और मच्छर भी काटे ऐसे आप लायक है तो उसमें रहे, पैरासाइट भी आप में रहे, क्योंकि पैरासाइट को भी मच्छर पसंद है जो गर्मी भेद पसंद करता है। इसलिए मेरी दृष्टि से ये खीर का हमारा आहार श्राद्ध के रूप में आरोग्य में उत्तमोत्तम है। मित्रों, मगर भारतीय प्रजा आरोग्य के साथ मिले पर्यावरण को भी बचाने की कोशिश करता है। कैसे? आप जानते हैं उस वक्त कौवे के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उसका पोषण कौन करेगा? आपका श्राद्ध पिंडदान के रूप में पितरों को दिया हुआ श्राद्ध उनको भी खाना दिलाता है। आप खाते हैं, कौवा खाते हैं, उनके बच्चे खाते हैं, और वो कहाँ खाते हैं? हमारे पुराने जमाने के मकानों पर, जहाँ अगासी नहीं थी, जहाँ टेरेस नहीं था, वहाँ देसी डलियों को खोल के वो लोग खाते थे। मगर इसमें रहे बिच्छू और उंदर को या तो मार देते थे या भगा देते थे, और आपकी सुरक्षा कर, कितना बड़ा हमारा ये तीसरा नंबर में जिसको हम लिया है। ऐसे एक दूसरा भी हम बीच बीच में ले ले कि ये तीसरा रखा है, मगर बीच वाला शीतला सातम, आप बताएंगे शीतला सातम सारे भारत में होता ही है मगर गुजरात में सबसे ज्यादा है। क्या है? उस दिन लोग सब ठंडा आहार खाते हैं, ठंडा खुराक लेते हैं। क्यों भाई? आयुर्वेद स्वयं बताता है उष्णम मसनियात, गरम खाओ। क्यों? उष्णम स्वदयते रोचयते पचयते, गरम खुराक रुचिकर है, स्वादिष्ट लगता है और जल्दी पच जाता है। वहाँ शीतला सातम पर ठंडा खाने का ये कैसी बात? मगर मित्र, वो सिचुएशन है, वो परिस्थिति है, वो काल है। वर्षा ऋतु में भेज की वजह से फंगस फूग बढ़ती है, और वो फूग बहुत से त्वचा के रोग करते हैं। इसमें ददरु है, रिंग वॉर्म, ये विचर्चिका है जिसको
हम एक्जिमा कहते हैं, और बहुत से फंगल इन्फेक्शन में होते हैं, तो वो स्किन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से शरीर लूछने का विधान उस वक्त है, फिर भी वो होने की शक्यता है। इसलिए क्या बताए पता है, हम तो बारिश में घूमते हैं, मजा लेते हैं, आयुर्वेद बताता है घूमो मगर शीत सीकर वर्जिता, बहुत नहीं, ठंड और बारिश से आपको फंगस लग सकता है। तो अंदरूनी ताकत बल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यदि हम थोड़ा एक दो दिन का बचा हुआ आहार जिस पर फूग लगी है वो आहार खाएं, वो थेपला भी हो सकता है, वो लड्डू भी हो सकता है, वो सब्जी भी हो सकता है, पूरी भी हो सकता है, सब में दो एक दो परसेंटेज फूग लगती है वो हम खाते हैं। फूग अंदर जाके प्रतिरोध उत्पन्न करता है शरीर, और इससे बाहर की फूग जो हमारे पर हमला करने के लिए सोचता है उसके सामने शरीर अच्छी तरह से लड़ सकता है। देखो मित्रों क्या हमारी रचना है, हमने होली को पर होली उस वक्त का होली का प्रचारना, उस वक्त का आहार विहार शीतला सातम, उस वक्त का आहार शरद ऋतु, उस वक्त का आहार खास करके खीर पिंडदान के रूप में देना, ये हमारा जो परंपरा का त्रय स्तंभ पिलर है, इनमें से मैंने आपको एक पिलर की बात बताई जो त्योहार के रूप में आपके सामने आए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे, वहाँ तक